हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह, वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ इटालियन पास्ता। रेड सॉस पास्ता बनाएंगे हम, जो कि टमाटर और गार्लिक वगैरह चॉप करके बनाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बट हम इसको थोड़ा सा इंडियन टच देके बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पास्ता सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, लाल मिर्च सूखी हुई 4, मैंने पास्ता लिया हुआ है स्पाइरल या फ्यूजली भी बोलते हैं, आप पेने भी ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़, अनियंस चॉप किया हुआ, गार्लिक चॉप किया हुआ, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और हमें चाहिए पार्मेसन चीज़, ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी शुगर, नमक स्वादानुसार, काले मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम सॉस बनानी है, उसके लिए हमें पानी बॉईल करने रख दिया है। टमाटर और जो सूखी लाल मिर्च, इसको बॉईल करेंगे पहले। पहले मैं सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम टमाटोज ऐड करेंगे इसमें। और इसमें थोड़े से हम कट लगा देंगे टमाटर पे, इससे जो इसकी स्किन है वो जल्दी उतर जाएगी, पील ऑफ हो जाएगी। तो चलिए अब इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। सारे ऐसे कर लेंगे, और जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक इसको हमने पकाना है। ये इटालियन वर्जन है, बट हम थोड़ा सा इंडियन टच देके बनाएंगे। ये जो पास्ता है बेसिकली ऑलिव ऑयल, टोमेटोज और गार्लिक रेड चिली के साथ बनता है, इसको स्पाइसी फ्लेवर देके बनाते हैं। तो ये हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और इसकी स्किन उतार देते हैं। ये टमाटर को मैंने इसकी स्किन उतार दी, पील ऑफ कर दिया है। तो इसको ठंडा करके अब हमने इसको ब्लेंड करना है। मैंने जार में डाल दिया, इसको प्यूरी बनाना है हमने ऐसे बिल्कुल। ये मैंने प्यूरी भी बना दी है, तो चलिए अब इसकी हम सॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑलिव ऑयल, इसमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ होता है, दूसरा ऑयल नहीं लेना हमने। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक चॉप किया हुआ बारीक। तो इसको हम पहले सॉटे कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। थोड़ा सा इसको जब सॉटे हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बहुत टेस्टी बनता है ये पास्ता। और डालेंगे प्याज बारीक चॉप किया हुआ। मैंने वाइट सॉस पास्ता भी बनाया, उसकी रेसिपी भी हम लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने पिंक सॉस पास्ता भी बनाया हुआ है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में और डाल दूँगी ज़रूरत पर। हमारे सॉटे हो गए, अब ऐड करेंगे प्योरे। ये टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई थी, ये वही है। तो इसको हम थोड़ी देर पहले पकने देंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी पकी हुई है, बट इसका थोड़ा सा और इसको पका लेंगे, थोड़ी सी थिक हो जाए, फिर इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो हमारी थिक हो चुकी है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर 1 चम्मच, काले मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए हमारी काफ़ी थिक हो गई है। आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं, मैं ऑरिगैनो डाल रही हूँ अब, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने डाल दिया है ऑरिगैनो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आता है इससे। अब ऐड करेंगे हम हमारा पास्ता। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते, बहुत ईजी है बनाना, आप पेने पास्ता भी ले सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे पास्ता पे कोटिंग हो जाए सॉस की। तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर ऑलमोस्ट हमारा डन है। अच्छे से हिला देते हैं, आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और ऑरिगैनो भी और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा रेडी हो चुका है, मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। मैंने एक प्लेटर ले लिया, उसमें हम पहले डालेंगे पास्ता, थोड़ा सा पास्ता डाल के इसके ऊपर हमने वो चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। इसके ऊपर हम फिर से पास्ता डाल देंगे, तो खाने में बड़ा अच्छा आता है इसमें चीज़ी फ्लेवर। इसके ऊपर अब थोड़ा सा और मोज़रेला और पार्मेसन चीज़ ऐड कर रही हूँ। पार्मेसन चीज़ आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं ऑप्शनल है, बहुत टेस्टी लगता है इससे। तो थोड़ा सा मैं और चीज़ डाल देती हूँ मोज़रेला। तो ये हमारा रेडी हो गया,
इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने धनिया का पत्ता रख दिया है ऊपर गार्निश के लिए, आप पुदीने का भी रख सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेड सॉस पास्ता। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ ही में बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको उसका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।